going live across to Amit Shah's rally in Patna right there. Listen in. Vijay Kumar Sinha ji, Sriman Raja Mohan Singh ji, Sri Vinod Tavade ji, Sri Sunil Ojha ji, Sushil Kumar Modi ji, Ruturaj Sinha ji, Tar Kishore Prasad ji, Ben Renu Devi ji, Sri Nagendra ji, Bhikkhu Bhai, Sri Mangal Pandey, Sri Sanjay Mayuk aur manch par upasthit sabhi vidhayak mahoday, sansad mahoday aur aaj Munger ki is vishal jansabha mein aise hawaman ke beech mein bhi barish ke beech mein bhi aaye hue प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार। मित्रों मैं पटना उतरा तब मुझे बताया गया कि बारिश और आंधी है मुंगेर नहीं जा पाएंगे मगर अशोक धाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिश और आंधी के बावजूद आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। माताओं भाइयों बहनों ये बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की भूमि रहा है और इसी बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की। आज ये जनसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जनसंपर्क कार्यक्रम का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के 9 साल समाप्त हो गए देश की जनता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लोकसभा में गए हैं और इसी के तहत मैं आज मुंगेर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर धन्यवाद करने आया हूं क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया 19 में आपने जिताया अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए एनडीए को देने का काम करिए। माताओं भाइयों बहनों आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू जिनके साथ इतना बैठे हो जिनके कारण मुख्यमंत्री बने जरा तो लिहाज रखो 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल हैं और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों मोदी जी ने 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने
देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसान और मेरे बिहार के 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत गरीब के घर में नल से जल पहुंचाना, देश भर के 35 करोड़ गरीब जनता के घर में आजादी के 70 साल के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने जल पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार के 1,60,00,000 लोगों के घर में, 1,60,00,000 घरों में कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करोड़ों गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अपने बिहार में अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को, अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा खर्चा, स्वास्थ्य का कोई भी सवाल हो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अकेले बिहार में 1.25 करोड़ माताओं को, 1.30 करोड़ माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया, 1.80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और 37 लाख लोगों को घर बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीतीश बाबू, हमारा हिसाब पूछ रहे हो? मैंने तो कहा बिहार के गरीबों के लिए हमने क्या किया। आपने कहा था कि खाते तो खोले, बोनी करा दो। बोनी नहीं, गरीब के घर में ढेर सारा काम भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये 9 साल भारत के गौरव के 9 साल रहे हैं। मोदी जी के शासन में विश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, अभी अभी अमेरिका गए थे, इसके पहले G7 की बैठक में गए, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनका अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कोई उनका हस्ताक्षर मांग रहा है और कोई कोई पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा है। मित्रों, ये मोदी जी का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है ये मुंगेर वालों, आपका, बिहार की जनता का और 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 वर्ष के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ मुंगेर वालों, पहले जब कभी पाक प्रेरित आतंकवादियों के हमले होते थे, इस सोनिया मनमोहन की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी,
मौनी बाबा चुप होकर दिल्ली बैठ जाते थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान वालों को लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, यूपीए सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर All right, Amit Shah kicking off 2024 campaign from Lakhisarai in Bihar right there, attacking Nitish in his own home turf.